गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारा इकोनॉमिक्स है, जो बुक टू है जिसका मेन है स्टेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी थी, उसके चैप्टर सिक्स के मीन डेविएशन रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना हमने सीखा था। आज के वीडियो में हम उसका जो दूसरा मेजरमेंट है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, जो हमारा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो था, कितने होते हैं डिस्पर्शन के मेजरमेंट, उसमें बात करी थी कि जो हम हैं उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रभाव विचलन होता क्या है। तो प्रभाव जो विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन की जो थ्योरी दी थी वो कार्ल पियर्सन ने दी थी 1893 में। इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था और ये बहुत ही डिस्पर्शन काउंट करने का सबसे उचित या सबसे अप्रोप्रिएट मेथड माना जाता है, क्योंकि जितने भी हमने निकाले हैं फिगर्स, चाहे हमने रेंज निकाले हो, क्वार्टर डेविएशन निकाला हो, मीन डेविएशन निकाला हो, सब में कुछ न कुछ बी मेरिट्स हैं या उनके दोष हुए हैं। और इसे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को विचलनों के वर्गों की औसत का वर्गमूल भी कहा जाता है, जिसे रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहा जाता है। क्यों इसको स्क्वायर रूट डेविएशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो एवरेज होता है उसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है। इसे ग्रीक भाषा में सिग्मा से डिनोट किया जाता है। इसीलिए आपने जो मेरे प्रीवियस वीडियो में सुना होगा, मैं इसे जनरली से भी सिग्मा बोलते हैं, लेकिन जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात आ जाती है तो इसे भी सिग्मा बोलते हैं। तो आप इसे समेशन बोले तो ज्यादा बेटर रहता है, इसीलिए ज्यादातर मैं समेशन का यूज ही करती रही हूँ। इसे सिग्मा कहा जाता है ग्रीक भाषा में। और ये जो डिस्पर्शन का जो है एब्सोल्यूट वैल्यू है, निरपेक्ष माप है, और इसे डिस्पर्शन के मेथड में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बाकी जिसमें जैसे हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट किया था, तो उसमें हमने देखा था कि हम बार का सिग्मा लगा के प्लस माइनस के साइंस को इग्नोर करते थे, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में प्लस माइनस के साइंस को इग्नोर नहीं किया जाता, बल्कि उनका स्क्वायर रूट निकाल कर एवरेज आगे हमारा कैलकुलेशन किया जाता है। इसलिए डिस्पर्शन का सबसे अप्रोप्रिएट मेथड माना जाता है। बाकी जो मीन डेविएशन है उसकी कैलकुलेशन हम मीन से, मीडियन से, मोड से भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी जो इसके जो कैलकुलेशन है केवल मीन से की जाती है। माध्य विचलन हम जब ने कैलकुलेट किया था तो हमने उसमें माध्य से भी किया, माध्यिका से भी किया, बहुपद से भी कर सकते हैं जनरली इसको, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, प्रमाण विचलन है, उसे केवल मीन से ही कैलकुलेट किया जाता है, मीडियन और मोड से किया जा सकता है। इसीलिए ये डिस्पर्शन का सबसे अप्रोप्रिएट मेथड माना जाता है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के मेथड्स देख लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन की इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रृंखला में डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष में इनडायरेक्ट मेथड, जिससे अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड, x बार की वैल्यू चाहिए। तो x बार कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में
इसकी जो टोटल आ गई 40, 44, 44, 60, 62, 64, 70, 80, 90, 96 वो हमारी आ रही है, हम कैलकुलेट करेंगे यानी 660, 600 साल इसकी टोटल आ गई है। और हमारे जो एंड है वो कितना है, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये हमारे टेंथ है और हमारा जो एक्स की वैल्यू आ गई वो 660 आ गई। तो हम इसे हम वैल्यू में पुट करेंगे 660 अपॉन 10। तो ये कितना आंसर है, एक्स बार हमारी आई 66। ये हमारा एक्स बार आया, अब हम इसे हमारे वैल्यूज में पुट करके इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले अब हमारे एक्स में से हमें 66 एक्स की वैल्यू को 66 से माइनस करना है। तो 40 में से 66 माइनस किए तो माइनस का 26, 44 में से किए तो माइनस का 22, 54 में से किए तो माइनस का 12, 60 में से किए तो 66 को माइनस कर रहे तो माइनस का 6। इसके बाद आ रहा 62 में से किया माइनस का 4, 64 में से किया माइनस का 2, 70 में से किया तो प्लस का 4, 80 में से किया तो प्लस का 14 और 90 में से 66 को माइनस किया तो आएगा हमारा 20 प्लस का 24 और 96 में से 66 को माइनस किया तो प्लस का 30। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, ये तो हमारे सिर्फ एक्स की वैल्यू है और हमें चाहिए एक्स स्क्वायर उसकी टोटल। तो अब हम इसका एक्स का एक्स स्क्वायर निकालते हैं, मतलब ये जो एक्स की वैल्यू आई है उनका हम स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर कैसे निकलता है, जो संख्या है जो नंबर है उसी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 676। 22 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 484। 12 को किया 12 से 144। 6 को 6 से किया 36। 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 196। 24 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 576 और 30 को 30 से किया तो आएगा 900। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, सब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समीशन एक्स स्क्वायर। तो समी हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई है तब हम इसकी समीशन टोटल करेंगे और इसकी जो टोटल आएगी वो आएगी हमारी 3048। और ध्यान रखिएगा जो जब भी हम स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसीलिए सारी संख्याएं जो इसमें आ जाएंगी प्लस में आ जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि माइनस को माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई करके वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखिए हमारा फॉर्मूला है सिग्मा की वैल्यू है समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी 3048 एंड कितना है हमारा 10। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या इसका आएगा 304.8। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट आप अपने प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं, 10 का वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं कि दोनों के पेयर बना के हम कैलकुलेशन करते हैं। इस हिसाब से अब हम इसका 304.8 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 70.4585। आप चाहे तो दो डिजिट तक भी निकाल सकते हैं पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद टू डिजिट तक तो कैलकुलेशन आपको कंपलसरी करनी ही है। सिग्मा तो हमारे सिग्मा की वैल्यू कितनी है 70.45 mark। अब ये तो हमारे आ गई सिग्मा की जो कि हमारा निरपेक्ष मार्क है। अब हम इसके सापेक्ष मार्क निकालेंगे, इसका कोफिशिएंट कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हम सिग्मा को किससे माइनस किससे डिवाइड करेंगे एक्स बार से। तो अब
1। अब x बार की वैल्यू हमारी कितनी है 66, तो हमने इसको डिवाइड किया तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.2645। ये इसका आंसर है। तो कोफिशिएंट ऑफ एस बी हमारा आएगा 0.2645 और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इसकी वैल्यू आएगी 17.4585। ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड्स से कैसे इसको सॉल्व करते हैं और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब हम इसी सम को इनडायरेक्ट मेथड से या अज्यूम्ड मीन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। सेम सम है, अब इसी से हम हमारे जो है आंसर को कैलकुलेट करेंगे। तब इसके लिए अज्यूम मीन में हम एक अल्टीमेट पार्ट लेते हैं और इसके लिए अज्यूम एक्स माइनस ए से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो डी हम इसे मानते हैं एक्स माइनस ए, ठीक है। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं हमारी जो वैल्यूज हैं, तो हमें हमारा जो अज्यूम मीन है वो माना है 60। ए की जो वैल्यू मानी है वो हमने मानी है 60। आप अपनी इच्छा से कोई भी ले सकते हो, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने 60 दिया है तो अब उसको माइनस उसको करते हैं हम कैलकुलेट। तो इसके लिए हम 40 में से 60 को माइनस किया, माइनस कर 20। 44 में से 44 में से 60 को माइनस किया तो वो आया हमारा वो हमारा आएगा 54 में से माइनस किया तो वो आएगा हमारा 6। 60 में से 60 गए 0। 62 में से 62 में से हमने इसको कैलकुलेट माइनस किया तो ये आया हमारा प्लस का 2। 64 में से हमने किया तो वो आया प्लस का 4। 70 में से माइनस किया 64 तो ये आया हमारा हाँ प्लस का ये हमारा आया 10। अब 80 में से 60 को माइनस के लिए आया हमारा 20। 90 में से 60 को माइनस के लिए 30। 96 में से 60 को माइनस किया तो आया हमारा 36। ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। और चूंकि इनडायरेक्ट मेथड में अप्रत्यक्ष विधि में जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है सिग्मा समेशन डी स्क्वायर अपॉन एल माइनस समेशन डी टोटल आई। अब हमारे तो एंड हमें
साइड स्क्वायर की 3408 अपॉन 10 माइनस समीशन बी कितना है हमारा 60 अपॉन 10 का 4 स्क्वायर। और इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 3408 क्योंकि स्क्वायर में हमें निकालना है, वर्ग को निकालना है, तो वो ये सब है ऐसे ही रहेगा हमारा। और अब हमने इसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो 6 का 6 से किया तो 60 को 60 से किया तो कितना है, आप इसको अंदर से कट करके भी कर सकते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि 10 को 60 से 60 को 10 से हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आया 6 बचा। अब 6 का हमने स्क्वायर कर दिया तो कितना है 36। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आपको 60 करेंगे 10 करेंगे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएंगी, इजी यही रहेगा आपके लिए कि पहले आने वाले नंबर्स को डिवाइड कर लीजिए और जो वैल्यू आती है उसका आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। अब उसके बाद हमारी जो अब इसको माइनस करने के जो हमारे जो बचेगा वो माइनस आएगा 3048। ये अब इसका जो हमें डायरेक्ट मेथड में भी सीखा था उसकी जो क्या स्क्वायर रूट निकला था वो आया था हमारा 17.4585। ये तो आ गया हमारा सिग्मा की वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू सिग्मा आ गया हमारा ये। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट गुणा ज्ञात करना है, कोफिशिएंट ऑफ एसडी जिसके लिए सेम यूज किया जाता है सिग्मा गुणा एक्स बार। तो अब हमें हमें एक्स बार की वैल्यू निकालनी होगी क्योंकि डायरेक्ट मेथड में जो हमने एक्स बार से माइनस किया था तो इसके लिए हमें पहले से एक्स बार कैलकुलेट कर रखा था। अब चूंकि कैलकुलेट विधि जो है या इनडायरेक्ट मेथड जो है या जितनी मेथड है उसमें एक्स बार निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समीशन बी अपॉन ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे एक्स बार इक्वल्स टू ए कितना लिया था हमें 60 लिया था, समीशन बी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारी 60 एंड कितना था 10 इसको किया 6 एक्स बार इक्वल्स टू 66। ये हमारी एक्स बार की वैल्यू आई थी। अब कोफिशिएंट निकालना है हमें, सिग्मा की वैल्यू हमें पता है क्या है 17.4585 और एक्स बार की वैल्यू कितनी है हमारी 66। तो सेम वैल्यू आएगी जो कि हमने डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेट की थी 0.2645। ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ एसडी या जो प्रभाव बीच में है उसका कोफिशिएंट है 0.2645 और जो सिग्मा है उसकी जो या तमाम विचलन है उसका जो वैल्यू है वो 17.4585। तो अभी हमें देखा कि हमने सेम सम किया डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से।